राधे राधे मेरे दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं मथुरा में, और मथुरा में हम लोग आनंद लेने वाले पे 12 घाटों का। हम लोग अभी हम लोगों ने जो अपना सफर शुरू किया था वो किया था विश्राम घाट से। हमने यहाँ से अपनी बोट बुक की थी जो कि हमें किराया पड़ा पर पर्सन 200 रुपये। तो आपको इस 200 रुपये के अंदर जो है 12 घाटे दिखाई जाएंगी। अगर आप 100 रुपये किराया देते हैं तो आपको 6 घाटे यहाँ पर दिखाई जाएंगी, और बहुत ही आनंद आने वाला है। 1 घंटे का हमारा ये सफर रहने वाला है, तो देखते हैं कि हमें कौन कौन सी घाट यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ से हमारी जो है ये सफर शुरू हो चुका है, और सामने ऊपर देख रहे हैं, भैया कौन सा मंदिर है ये सती घाट है। यहाँ से सती घाट कूद के सती हुई थी, दो बीवियाँ थी, एक का नाम अस्सी था, दूसरी का नाम प्राप्ति कर सके। मर जाने के बाद में दोनों कूद के सती होगी, तो इसी का नाम रख दिया गया सती का बुर्ज। ये काला वाला गुम्बद जो है हमने, चित्तौड़गढ़ का द्वार, जब भगवान कृष्ण को गोकुल लेके गए थे यहीं से निकल के गए थे। आगे पड़ता है वासुदेव घाट, वो भी दिखाएंगे आपको। ये है विश्राम घाट, मेन घाट यहाँ का। यहाँ पे राजा कंस को मार के भगवान कृष्ण ने विश्राम लिया, तो इस घाट का नाम पड़ा विश्राम घाट। और कार्तिक में दो जाती है ना भाई दोज, जो भी बहन भाई हाथ पकड़ के यहाँ पे स्नान कर लेगा वो जम के लोग से मुक्ति पाएगा, ऐसा यमुनाई ने जमराज से वरदान मांगा था। यही है विश्राम घाट, और यहीं पर यमुना जी की सुबह शाम आरती होती है। ये सामने खंडर वाला हवेली जो है, ये है लक्ष्मीचंद सेठ का हवेली, जिन्होंने द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया था। राजा लक्ष्मीचंद सेठ मथुरा के रहने वाले थे, उन पे अपार दौलत थी पर कोई संतान नहीं थी। उन्होंने यमुना जी की पूजा की और यमुना जी से आकांक्षा की, अगर यमुना माता मुझ पर कोई संतान हो या तो यहाँ पे सबसे बड़ा मंदिर बनवाऊंगा। तो 11 महीने के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उसकी खुशी में द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया था लक्ष्मीचंद सेठ ने। और वृंदावन में रंगजी मंदिर है ना सोने के खंभे वाला, वो भी लक्ष्मीचंद सेठ ने बनवाया था, और ये पंडा जी को दे दी। देखिए सामने लाल वाला जो है, ये है कंस का किला। कंस का किला, हाँ, यहाँ पर कंस बैठ के राज करता था, यही है कंस का किला। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है जन्मभूमि, यहाँ भगवान का जन्म हुआ था, ये उसका महल है। यही वाला है लाल वाला, ये कंस का किला है बोलते हैं। यहीं से भगवान को नदी क्रॉस करा के लेके गए थे गोकुल के लिए। ये माता पिता है भगवान के, तो आप देख पा रहे हैं ये माता पिता है भगवान के, और इन्होंने ये नदी क्रॉस कराई थी यहाँ से किशन जी को। देखिए मैं आपको दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ कंस का किला, यहाँ पे कंस बैठ के राज करता था, उसका महल है। ऐसे हम जाएंगे ऊपर चढ़ के कंस के किले के ऊपर चढ़ के, जब सोर लेंगे यमुना जी का। ये कंस का किला है ऊपर, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों कंस के किले में जा रहे हैं, आप दिखाते हैं आपको ऊपर से यहाँ नदी का नज़ारा। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कंस के किले पे, तो नहीं नहीं तो चलिए चलते हैं। ये सीढ़ियाँ आ चुकी हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर बारिश हो गई बहुत ज़्यादा तेज, तो हम लोग पूरा भीग चुके हैं। हम लोग मुझे चलना शुरू ही किया था और बारिश ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए यहाँ पर ये रूम बने हुए अंदर, ये देखिए यमुना जी का नजारा भी लेते हैं। आज तो मुझे ऐसी फील आ गई है यमुना जी पे आके, जैसे वासुदेव जी किशन जी को जब यहाँ से लेके गए थे तो बड़ी जोरदार बारिश हुई थी ना, तो मुझे लग रहा है कि जैसे आज हम लोग आए ना तो बड़ी तेज बारिश हो रही है, वैसा ही फील मिल रहा है। आप बढ़िया नजारा सुना लीजिए, देखो आप सामने दुर्वासा ऋषि जी का मंदिर पेड़ों के पीछे दिख रहा है। अच्छा ये भगवान कृष्ण को पढ़ाया था दुर्वासा ऋषि महाराज का, शिक्षा गुरु है दुर्वासा ऋषि। क्या बढ़िया नजारा, और यमुना जी की खूबसूरती ना और ज्यादा बढ़िया। चार चांद लग गए, चार चांद लग गए। ये देखिए पूरा ये जो मथुरा नगरी है ना, यहाँ तो पूरी मथुरा नगरी दिखती है। ये है कंस का किला जहाँ बैठ के कंस राज किया करता था, और ये पूरा उसका साम्राज्य है, तो पूरा साम्राज्य इस किले से दिखता है। और आज मुझे वही फीलिंग आ रही है कि वासुदेव, मेरे को लग रहा है आज कृष्ण भगवान हमारे आसपास ही हैं। वृंदावन, वृंदावन, अच्छा उस साइड वृंदावन है, भगवान कृष्ण ने राज किया है वृंदावन के अंदर, वो सामने वृंदावन दिख रहा है। और वो दूरी पे जैसे कि भैया ने बताया कि वृंदावन दिख रहा है यहाँ से, और काफी खूबसूरत नजारा है। तो थोड़ा सा पास क्लोजअप में ले जाके दिखाएंगे हम आपको यमुना जी का खूबसूरत नजारा दिखाएंगे। बारिश होने के बाद ना मौसम बादलों में देखिए कलर और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, दूर तक यमुना जी दिख रही है और बसा हुआ वृंदावन, मतलब कृष्ण जन्मभूमि का ना सुंदर नजारा मिल रहा है यहाँ पे हमें। और यहाँ की वाइब भी अलग है, कहते हैं ना आनंद है यहाँ की हवा में, यहाँ की खुशबू में, यहाँ के खाने में, तो मतलब हर एक चीज में ना कृष्ण जी की फील आती है कि लगता है कि कृष्ण जी हमारे आस पास है। मतलब अगर आप लोग पहले वृंदावन आए ना, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ, आपने इस एक्सपीरियंस को अगर फील किया ना, या आपके साथ कोई बढ़िया एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में ना बताना जरूर। तो भैया जो कारागार था जहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, कारागार में ही हुआ था, जेल के अंदर तो कह सकते हैं हम लोग, तो वो भी इसी के अंदर था क्या, किले के अंदर? नहीं, वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, जन्मभूमि यहाँ से जैसे मार्केट की साइड से जाओगे ना, तो जन्म स्थान यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये उसका महल है, यहाँ पर बैठ के राज करता था कंस, इसी को बोलते हैं कंस का किला। अच्छा, और यही यमुना जी थी जिसके अंदर से वासुदेव जी लेके गए थे गोकुल के लिए, नदी क्रॉस करा के गए थे। वो है आगे है वासुदेव घाट, यहाँ से थोड़ा आगे वो दिखाएंगे अभी बोटिंग से आपको। अच्छा, नदी क्रॉस करा के गोकुल के लेके गए थे, सामने गोकुल क्षेत्र दिख रहा है जी। गोकुल के अंदर कृष्ण जी ने बहुत सारी अपनी लीलाएं दिखाई थी, यही वो पले बड़े थे क्या भैया? जन्म मथुरा में हुआ था और पालन पोषण गोकुल में, और वृंदावन में राज रचाया भगवान ने, कालिया नाग के ऊपर राज वृंदावन में किया था, वो काली है वृंदावन में।
तो आपको जगह जगह यहाँ पर बंदर दिखने वाले हैं, ये देखिए पानी से खेल रहा है बंदर और काफी सारे बंदर यहाँ पे बैठे हैं और इंडियंस ही नहीं यहाँ पर काफी जो हैं फॉरेनर्स भी आ रखे हैं। देखो ये सामने वाला है रानी घाट, ये सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे सभी लोग स्नान करते हैं तो इसी इस घाट का नाम है रानी घाट। अंदर ये बड़ा वाला गेट है, इसके अंदर मंदिर बना हुआ है रानी का, और ये सामने वाला घाट है, इसको बोलते हैं वासुदेव घाट कहते हैं। खड़े वसुदेव करें पुकार, कैसे जाऊं जमुना के उस पार। जब रात के 12 बजे कृष्ण भगवान को गोकुल के लिए ले जाने के लिए आए थे, इसी घाट पर खड़े हो गए थे, तो वासुदेव जी कहने लगे लाला को गोकुल कैसे ले जाया जाए, निकलने के लिए कोई साधन भी नहीं है, अगर कृष्ण को मैं कंस के पास लेके गया तो वो खत्म कर देगा जैसे मेरे पहले पुत्र खत्म कर दिए, आज मरेंगे तो दोनों मरेंगे, नदी के अंदर घुस गए, जितना आगे बढ़ते गए जितना गहरा पानी आता गया है। तो वासुदेव जी का यहाँ तक पानी आ गया, तो वासुदेव जी कहने लगे कोई मेरे लाल को लो, कोई मेरे लाल को लो। तो ऊपर से बारिश पड़ रही थी, इस समय बारिश हो रही है ना, तो ऐसे ही बारिश पड़ रही थी, तो जमुना जी में से शेषनाग निकला, भगवान कृष्ण के ऊपर छतरी लगाई थी, इसी घाट पर से ऐसे निकाल के लेके गए, उसको बोलते हैं गोकुल गेट, सामने वाला जो पेड़ों के पीछे, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर पड़ता है गोकुल, इसी घाट का नाम है वासुदेव घाट। और ये सामने वाला संत घाट है, पहले मस्जिद बोली जाती थी ये, देख ये सामने वाला जो है ये है संत घाट, पहले मस्जिद थी, अब इसमें हनुमान जी का मंदिर बना दिया गया, शिव जी का मंदिर है, इस घाट को बोलते हैं संत घाट, मस्जिद से इसका कोई वास्ता नहीं है। देख लो बनावट आज भी मस्जिद की बनी हुई है। इस घाट का नाम है सूरज घाट, ये सामने वाला जो धर्मशाला बनी हुई है ऊपर, और देखिए इस घाट के बारे में लीजिए, सामने वाला गुदड़िया घाट, यहाँ पर एक गुदड़िया नाम के साधु रहते थे पहले, हमारे पूर्वज लोग बताते थे, यहाँ पर एक साधु थे गुदड़िया नाम था उनका, जाड़े हो चाहे गर्मी गुदड़ी के कपड़े पहनते थे, और गुदड़ी स्वेटर जो होता नहीं मोटे वाले कपड़े उनको पहनते थे, तो जैसे अपने कपड़े को जलाते थे तो उनमें से डोंट निकलते थे, उन्हीं का नाम था गुदड़िया हमारा, तो वो खत्म हो गए, तो उन्हीं के नाम का घाट बनवा दिया गया गुदड़िया घाट। और जैसे सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाओगे जो है द्वारकानाथ घाट, ऐसे इस मंदिर के ऊपर जाना सीढ़ा ऊपर चढ़ के सामने वाला मंदिर पड़ता है द्वारकाधीश जी का, तो इस घाट को बोलते हैं द्वारकानाथ घाट। जो मैंने आपको पहले बताया था यह है लक्ष्मीचंद्र सेठ का हवेली, जिन्होंने मंदिर बनवाया था द्वारकाधीश जी का, यही है लक्ष्मीचंद्र सेठ का हवेली। इस घाट का नाम है वल्लभ घाट, जो 84 कोस की जो परिक्रमा चलती है 84 धामों में घूम के आके दोबारा यहीं आना पड़ता है, इसी घाट का नाम है वल्लभ घाट, यहीं से संकल्प लेते हैं, संकल्प लेके जाते हैं तो 84 धामों में घूम के फिर दोबारा यहाँ आते हैं, यहाँ पर ही आकर संकल्प को छोड़ेंगे जब यात्रा पूरी मानी जाती है, इसी घाट का नाम है वल्लभ घाट। और ये सामने पीला वाला घाट है, ये है मेन घाट विश्राम घाट, यहाँ पर राजा कंस को मार के भगवान ने विश्राम लिया है, जैसे हरिद्वार में अरकी पेड़ी, काशी में संगम इधर विश्राम घाट, और कार्तिक में जो भाई दौज जो आता है, जो भी बहन भाई याद पकड़ के यहाँ पर स्नान कर लेगा वो जम के लोग से मुक्ति पाएगा, ऐसा जमनाई ने जमराज से वरदान मांगा था, इसी घाट पे होता है स्नान जमजुतिया वाले दिन, और सुबह शाम को 7:30 बजे यमुना जी की आरती होती है, सुबह 5:30 बजे होती है इसी घाट से। सामने वाला काला वाला गुम्बद जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं राजा कंस की पत्नी की समाधि, कंस की 2 बीवियाँ थीं, एक का नाम मस्ती था, दूसरी का नाम प्राप्ति, कंस के मर जाने के बाद में दोनों कूद के सती हो गई, तो इसी का नाम रख दिया या सती का बुर्ज, ये काला वाला गुम्बद जो है। राजा घाट, राजा लोगों का राजा घाट बोला जाता है, जैसे यमुना जी का 16 श्रृंगार किया जाता है वो श्रृंगार इधर ही होता है, इधर से लेकर उधर तक यमुना जी को साड़ी पहनाते हैं, उसको बोलते हैं सुंदरी मनोरथ, जो यमुना जी को साड़ी पहनाते हैं यहीं से। क्या भैया ये चाय जब करा लो तो साल के 365 दिन होता रहता है, जैसे बाहर से यात्री आते हैं ना वो लोग मांग के जाते हैं यमुना जी से वरदान तो वो पूरा होता है, तो उसकी खुशी में साड़ी पहनाते हैं यमुना जी को, हाँ सामने पार तक। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पर आपको दिखाई 12 घाटे, जो कि भैया ने बहुत ही अच्छे से हम लोगों को समझाई और आप लोगों को दिखाई और हम लोगों को अच्छे से घुमाया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अभी हम लोग चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बारिश में शूट करिए तो लाइक तो बनता है। राधे राधे।